मानक आप एक एक करके बुलवा लीजिए, वरना ये बीच में बौखलाकर बोलती रहेंगी, भीगी बिल्ली की तरह खम्मा नोचती रहेंगी, कोई फायदा नहीं होगा। बोलिए बोलिए। भाई बहन की जोड़ी ने जो रातों को दिन लड़ा दी है ना मानक, ये आज आज से शुरू हो गया है और संसद में खतरे की घंटी है ये भाजपा और नरेंद्र मोदी। और जो मुस्कुरा रही हो तुम, इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, ये हुआ करने से कुछ नहीं होता है। आपकी स्थिति कितनी दयनीय है कि आप किस तरह से कसीदे पढ़ रही हैं, और मतलब मुझे अफसोस हो रहा है आपके लिए और कांग्रेस के और लोगों के लिए कि आपकी स्थिति भी बहुत दयनीय है शाजिया, कि मुसलमानों को घुसपैठिया बोलते हैं मोदी जी, मुसलमानों की तुलना कुत्ते के पिल्ले से करते हैं, उसकी मुखालफत करते हुए मोदी जी के चरण वंदना करनी पड़ती है। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अमेठी से सांसद रही स्मृति ईरानी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि वो इस बार के इलेक्शन में यानी कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में राहुल गांधी को बुरी तरीके से हराएंगी। आ जाइए राहुल गांधी, आप अमेठी से चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने तो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ा, बट कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा और उन्होंने ही स्मृति ईरानी को बहुत बड़े अंतर से चुनाव में हरा दिया। और इसके बाद स्मृति ईरानी वहां से गायब हो गई और आजकल वो राजनीति में भी बहुत कम दिखाई देती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने रायबरेली से भी चुनाव लड़ा था और वायनाड से भी चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगह से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने वायनाड की सीट को खाली कर दिया है तो वहां पर से अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं और इस बात ने बीजेपी के कान खड़े कर दिए हैं और बीजेपी वाले पगला गए हैं कि कहीं उनका सामना अब भाई बहन से होगा संसद में और वो कैसे उनका सामना कर पाएंगे। क्योंकि जब राहुल गांधी संसद में बोलते हैं तो मोदी जी तो परेशान हो ही जाते हैं, साथ ही साथ उनका जो पूरा सांसदों का ग्रुप है वो भी परेशान हो जाता है। और अब उनकी ताकत एक बार फिर से बढ़ने वाली है क्योंकि वायनाड से प्रियंका गांधी को बहुत ही आसानी से जीत मिल जाएगी। और इस मैटर को लेकर के ही बीजेपी पूरी तरीके से परेशान होकर रखी हुई है। आज के डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे बीजेपी प्रवक्ता साजिया इल्मी बार बार टोक रही हैं कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक को, और रागिनी नायक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिसेंट तरीके से अपनी बात रख रही हैं। यदि रागिनी नायक की जगह कांग्रेस के दूसरे नेता होते या सुप्रिया सुनीति होती तो साजिया इल्मी की अच्छे से क्लास लगना 100% तय था। लेकिन रागिनी नायक ने अपने पेशेंस को बनाए रखा और बहुत ही अच्छा जवाब दिया बीजेपी प्रवक्ता साजिया इल्मी को। तो आज का डिबेट वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उन्होंने लिखा है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गयो, जो डूब गयो सो पार। तो आज जितना भी जहर उगलेंगे भाजपाई और संघी आपके चैनल पर, जितनी नफरती बातें करेंगे, जितना भी कटाक्ष करें, जितना तीखा बोलें, आज मैं वो कुछ ग्रहण नहीं करने वाली हूँ, वो सब उन्हीं के पास वापस भेजती। प्रियंका गांधी, एक मिनट शाजिया, अरे भाई बाद में करिएगा अपनी बारी। प्रियंका गांधी धाकड़ है तो धैर्यवान भी है। आपकी बारी, साहसी है, आपकी बारी, संवेदनशील, भारी कब तक चलेगी आपकी बारी, वो संवेदनशील भी है, निडर है तो नर्म भी है। वो निरंकुश भाजपा सरकारों की आंखों में आंखें डालकर ललकार सकती हैं। तो ये भाई बहन की जोड़ी ने जो रातों को नींद उड़ा दी है ना मानक, ये आज आज से शुरू हो गया है और संसद में खतरे की घंटी है ये भाजपा और नरेंद्र मोदी की। और मैं शाजिया से पूछना चाहती हूँ, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, ये हुआ करने से कुछ नहीं होता है। नहीं, मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं जोर जोर से ठहाके लगा रही हूँ, मैं सिर्फ मुस्कुरा नहीं रही हूँ, मैं जोर जोर से ठहाके लगा लगा के गिरना चाहिए, इतने ठहाके मत लगाइए। मुझे आप पर थोड़ा, कितनी दयनीय आपकी स्थिति, कितनी दयनीय है कि आप किस तरह से कसीदे पढ़ रही हैं, और मतलब मुझे अफसोस हो रहा है आपके लिए और कांग्रेस के और लोगों के लिए कि आपकी स्थिति भी बहुत दयनीय है शाजिया, कि मुसलमानों को घुसपैठिया बोलते हैं मोदी जी, मुसलमानों की तुलना कुत्ते के पिल्ले से करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगा। इसकी मुखालफत करते हुए मोदी जी के चरण वंदना करनी पड़ती है, मुसलमानों की गालियां देती है भारतीय जनता, आपको यहाँ बैठकर चाटुकारिता करनी पड़ती है। उसके बाद काउंटर करने का मौका दूंगा। उन्होंने कहा कि दयनीय,
दयनीय, ये खुद दयनीय है, पर्सनल ना होए। नहीं सच में आपके लिए, आप दया के पात्र इतनी बन गई है अभी, जिस तरह से आप फिर पर्सनल होंगी तो मुझे बोलना पड़ेगा, पूरी पार्टी के जो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं अपने नेता की तारीफ कर रही हूँ, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कसीदे पढ़ रही है, मैं अपनी नेता की तारीफ कर रही हूँ, आप करिए अपने नेता की तारीफ। रागिनी, शाजिया आपकी बारी, प्लीज लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल। आप रागिनी पर कमेंट मत करिए, आप अपना मुद्दे पर बात करिए, बोलिए। अरे नहीं, मैं क्यों नहीं करूंगी, वो लगातार बोली है आपने, 5 मिनट तक लगातार उनको कसीदे पढ़ने के लिए बोला है, मैं कसीदे पढ़ने शुरू कर दूं? अरे आपको जो बोलना है, आपका टाइम है शाजिया, आपका टाइम है, आपको जो बोलना है बोलिए। आप अपनी पार्टी की प्रवक्ता है शाजिया, जो आपको कहना है कहिए, पर्सनल मत करिए, मुद्दे पर बोलिए। चलिए आप ये सोचिए, पर्सनल में बिल्कुल नहीं थी मैं। अगर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता और नेता हैं और पूरी पार्टी ऐसी दया की पात्र बन गई है, उन्होंने क्या कर दिया है परिवारवाद का, देखिए ये दबदबा आप देखिए, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि कितने पढ़े लिखे बिल्कुल योग्य लोग किस तरह से बात कर रहे हैं और साथ में लोकतंत्र की भी बात कर रहे हैं। खैर, सबसे पहले तो मैं कहूंगी महिला है और नेक महिला है प्रियंका जी, तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा उनका आगे पॉलिटिकल करियर हो। और ये बहुत अफसोस की बात है कि बेचारी खुद से इतने लड़ी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनकी माँ ने जो उनके साथ किया, जो उनके भाई ने लगातार उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, सिर्फ और सिर्फ टिकट मांगने का काम, वोट मांगने का काम कराया, ये बहुत अफसोस की बात है। कम से कम ये पेट्रियार्की उनके घर में ना होती और जो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अच्छा संदेश जाता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि वायनाड के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा है और कैसे यूज एंड थ्रो ये पार्टी कर रही है, मैं उससे हैरत में हूँ कि भाई यहाँ पे यूपी में भाव नहीं मिलता तो पहुंच जाते हैं भाई साहब शहजादे, पहुंच जाते हैं केरल, केरल में जीत जाते हैं, क्योंकि वो जाहिर है वो मुस्लिम कार्ड और मुस्लिम लीग है तो जाहिर है मुसलमान वोट देंगे, क्योंकि आपको तो सनातन धर्म से इतनी नफरत है। ठीक है, आपको वोट मिल रहे हैं, आप खुश हैं, फिर आपको यूपी से भी आप जीत जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वायनाड को छोड़ देते हैं। अब वायनाड को अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको अपनी बहन नजर आती है, वहां पे आपको सिमी रोजबेल नजर नहीं आती, जो 22 साल कांग्रेस की कार्यकर्ता रही है, वो जब वहां के कास्टिंग काउच की बात करती है आप बिना सुने हुए उसको निष्कासित कर देते हैं, निकल बाहर कर देते हैं। और जब बात आती है वहां से किसी को खड़ा करने की तो फिर आपको अपना परिवार और बहन तब याद आती है। तो मुझे लगता है इतने अलग अलग चाहती हूँ, मुझे इससे दिक्कत है और बहुत ही शर्मनाक लगता है, मुझे अफसोस हो रहा है कि कितनी बड़ी पार्टी ने अपनी क्या हालत कर दी। एक 3 फैमिली मेंबर्स हैं, कांग्रेस के और लोगों को नहीं आने दो भैया, मुसलमान कांग्रेस में भी देती होंगी, मुझे तो कांग्रेस में किसी मुसलमान को भेजती, चलिए सिमी रोजबेल को नहीं देती, किसी मुसलमान को नहीं होगा। अरे केरल में मुसलमान भी तो होंगे बहुत सारे, मुसलमान महिलाएं भी होंगी, उनको दे देती भाजपा में, मुसलमान मुसलमान जो आप कर रही हैं, अरे भाई मुसलमान भी तो हैं कांग्रेस पार्टी में, तो दे देती हूँ। अरे हमने तो बहुत मुसलमानों को लड़वा दिया, आप अपना देखिए आप क्या हाल हो रहा है, मुख्तार अंसारी का आप कितना इस्तेमाल करेंगे, मुख्तार अंसारी का आपका क्या हाल है, लोगों को, वायनाड के लोगों को, मतलब आपने हद पार कर दी है, ये हद पार कर दिया आपने। इस परिवार ने सारी की सारी लोकतंत्र की जो भी मूल्य है सारी की सारी मर्यादा लांग दी है। शाजिया से आपने, आप शाजिया पिछले पूरे वक्तव्य में कहती रही कि प्रियंका गांधी को तो दबाया जा रहा है, भाई प्रियंका गांधी के माँ भाई दबा रहे हैं, वो तो राजनीति में ही नहीं आने दे रहे हैं। और जब आपने खतरे की घंटी पर सवाल पूछा तो कहा प्रियंका गांधी इतने सालों से राजनीति कर रही हैं, तो ये खुद ही विरोधाभास में है, ये खुद ही उलटबाजी कर रही है, इन्हें खुद ही नहीं पता कि बोलना क्या है। आज प्रियंका जी ने केरल में कहा इतने साल कि मैंने 35 साल अपनी माँ, अपने भाई और कांग्रेस पार्टी के लिए भाव से प्रचार कैसे राजनीति कैसे की जाती है, ये सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद की भुद्राखा दिखाया, बिना किसी पद की लालसा के 35 साल तक उसका पार्टी का काम किया बिना किसी पद की लालसा के, तो ये शाजिया इतनी समझेगी जो भाजपा में पद होने के लिए आप पार्टी छोड़कर ये समझेगी, इन्होंने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, अरे हो गई आपकी बात, नहीं
ये बीच में लगातार बोल रही है, बोलेंगी आप? मैं भी लगातार बोलूंगी। आपने इनकी वॉइस डाउन नहीं किया, हो जाए हो गया आपका, आप इनकी आदत है अपने आपको, बीच में लगातार बोलती जाएंगी, बोलती जाएंगी, बोलती जाएंगी, आपके पास कुछ है ही नहीं, समझ गए आप? केवल शिक्षा लेदर करनी पहुंच गई है, केवल पत्थर उछालने तक बात पहुंच गई है, केवल आसमान की तरफ मुंह करके थूकना है। ओके, अब रागी ने शाजिया का जवाब सुनती रही है। एक एक राउंड और दूंगा, अभी बहुत टाइम है मेरे पास, एक एक राउंड और दूंगा। पहले शाजिया बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी। अरे ये क्या मतलब है, जो मैं बोलना चाह रही थी ये बीच में बोलती रही पूरे समय, जो जितनी भाव, अरे भैया हाँ बोलिए चलिए। या आपको क्या हो गया है, इतनी भाव विभोरे तो जज्बाती हो गई, रुमाल अमाल दे दीजिए उनको भाई, बहुत बड़ा दिन लग रहा है आपके लिए, हो गया प्रियंका जी को बहुत अच्छा लगेगा, ये फिर पर्सनल हो रही है। आप थोड़ा पानी पीजिए और शांत होकर बैठ जाइए, आपकी ये फालतू की अनर्गल बातें कोई सुनना नहीं चाहता है। आज कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा दिन है, देश के लिए शुभ दिन है। आप नहीं भैया, आप अपनी जहरीली जबान जैसा लहराएंगी ना, जनता आपके ऊपर ही थू-थू करने वाली है, इतनी जहरीली जुबान मत लहराइए। शाजिया शाजिया, लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल, पर्सनल मत करें आप प्रियंका गांधी पर, कांग्रेस पर, पॉलिटिक्स। ये कोई तैयारी करके नहीं आती है, और ये बस ओहो रागिनी आप प्लीज लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल, मैंने आपको बताया, समय बर्बाद हो रहा है, दर्शक मेरे दर्शक को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। रागिनी प्लीज, अब रुकिए, मैंने किसी पे पर्सनल दोबारा शुरू किया क्या? लेट्स स्टार्ट, एक सेकंड रागिनी प्लीज, अब रुक जाइए। आज के डिबेट वीडियो देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि बीजेपी को अब यह लग रहा है कि वो राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी के तेज तर्रार जवाबों को कैसे समझेंगे, जब दोनों ही भाई बहन लोकसभा में बीजेपी के नेताओं की बखिया को उधेड़ देंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।